राघव काका, आपने सच में बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया बजरंग बली का। ये सब साई के कारण हुआ है। इन्होंने ही मुझे उस जमीन पर हनुमान जी को तेल चढ़ाने को कहा था। इनके चमत्कार से तो जमीन मुझे मिली, इसलिए मैंने सोचा कि उस जमीन पे थोड़ी सी जगह हनुमान जी के पूजा के लिए भी रख दूं। राघव, ये तो बड़ा नेक ख्याल है, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी बात तो यह है कि उस मंदिर में पहली आरती आपने की। पानी पानी, माँ जी आप ठीक तो है? नहीं बेटा, कोपर गांव से साकोरी आ रही थी, लेकिन थकान के मारे अब नहीं चला जा रहा है। थोड़ा सा पानी मिल जाएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन हमारे पास तो पानी नहीं है। पर कुआं तो है। माँ जी, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूं। रुको केशव, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। तुम दोनों माई का ख्याल रखना, चलो। सुनिए, हमें एक लोटा पानी मिल सकता है? वो माता जी बहुत थक गई हैं, उनके लिए चाहिए पानी। नहीं, ये सारा पानी पूजा के लिए है, पीने के लिए नहीं। पंडित जी, लेकिन किसी प्यासे को पानी पिलाना तो अपने आप में सबसे बड़ी पूजा है। मैंने कहा ना, ये पानी जूठा नहीं किया जा सकता। इन मटकियों में पवित्र जल भरा है, खास पूजा के लिए। तो कुएं में से ही थोड़ा पानी दे दीजिए। यही तो समस्या है, एक साल हो गया कुआं खोदे हुए, लेकिन इसमें से आज तक एक बूंद भी पानी नहीं निकला है। इसलिए तो हम ये पूजा करवा रहे हैं। हम दूर दूर से जाकर सात पवित्र नदियों का जल लेकर आए हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी दूर दूर की नदियों तक गए थे ये सात मटकियां भरने। पंडित जी ने कहा है, इन सात पवित्र नदियों का जल पूजा के बाद इस कुएं में डालेंगे तो फिर पानी आने लगेगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन अगर किसी मटकी से एक लोटा पानी निकाल भी लिया जाए तो मटकी का पानी खत्म नहीं होगा, बल्कि पूजा के लिए तो बहुत बचेगा। लेकिन अगर माई को पानी नहीं मिला तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। पूजा के पात्र में से एक बार पानी दे दिया तो जूठा हो जाता है, उसकी पवित्रता समाप्त हो जाती है। शास्त्रों का ज्ञान व्यान है कि नहीं? शास्त्रों का ज्ञान तो नहीं है, मगर इंसानियत का ध्यान जरूर है। कोई भी धर्म भंग हो जाए, मानवता का धर्म कभी नहीं टूटना चाहिए। ईश्वर ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके बनाए मानव पानी के लिए तरसे और वही पानी हम ईश्वर के नाम पर जाया करते हैं, बल्कि ईश्वर तो औरों की मदद करने से प्रसन्न होता है। फकीर, मेरी पूजा में विघ्न डालने वाला तू कौन होता है? मुझसे ज्यादा तुझे पता होगा कि भगवान क्या चाहते हैं। देखिए, आप इस तरह से मेरे गुरु से बात मत कीजिए।
आप जानते नहीं हमारे साईं को, ईश्वर का अंश है ये, साक्षात परब्रह्म। ऐसे होते हैं ईश्वर के अंश, भिखारियों जैसे। और अगर ये परम ब्रह्म है तो इसे मटकियों की क्या जरूरत है? बोलो अपने परम ब्रह्म जी को, दिखा दे कोई चमत्कार और निकाल दे पानी कहीं से भी। देखिए आप केशव, शांति। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं। मैं तो ईश्वर ने दिखाए मार्ग पर चलने वाला उसका एक खादिम हूं बस। पंडित जी, जब ये पवित्र पानी कुएं में पड़ जाए तब तो इस कुएं से पानी आ जाएगा ना? निसंदेह, मुझ जैसा भक्त जो दिन रात ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और कुएं में पानी लाने का यही एक तरीका है। पंडित जी, अगर हम यहाँ बैठकर कुएं से पानी आने का इंतजार करें तब तो आप कुएं से निकला पानी माई को दे पाएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, आप विधिवत अपनी पूजा कर लीजिए, हम यहाँ बैठकर इंतजार करते हैं। लेकिन साईं, अगर कुएं से पानी नहीं निकला तो? केशव, जब पंडित जी कह रहे हैं तो रुक जाते हैं। हो सकता है माई को पानी इसी कुएं से मिले। तुम माई को यहां ले आओ। ठीक है सर। यहां बैठ जाइए माई। बस थोड़ी प्रतीक्षा और माई। अब ये पवित्र जल कुएं में डाल दो। चले निरंतर धुन यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। माई,
ईश्वर चाहता है कि आप अपनी प्यास बुझा लें। ओ, जिसके हृदय पानी पी लीजिए। दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा समझ गया। इसने कोई काला जादू किया है, विघ्न डाला है हमारी पूजा में। इसकी वजह से भगवान रुष्ट हो गए। अब इस कुएं में पानी कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। अगर इस कुएं में पानी आ गया तो मैं अपनी पंडिता ही छोड़ दूंगा। आप खुद कुछ नहीं कर पाए तो साईं पर आरोप लगा रहे हैं। सच कह रहा हूं मैं, तुम्हारे साई ने जो कुछ भी कहा उससे भगवान को बुरा लगा होगा। अब इस कुएं से कभी पानी नहीं आएगा और इसका कारण ये फकीर होगा। असंभव से संभव की यात्रा ही साई के प्रति श्रद्धा की यात्रा है। मेरे साई बाबा, मेरे साई बाबा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी शक्ति को समझ नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका अपमान कर दिया। पंडित जी, आपसे एक गलती जरूर हुई है, लेकिन वो मेरा अपमान करना नहीं है, बल्कि एक प्यासे को पानी देने से इनकार करना है। जल का दान तो ईश्वर की नजर में सबसे पुण्य का काम है, किसी को पानी के लिए मना करना तो ईश्वर को मना करने के समान है। और यहां मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो राम जी की माया है। राम जी को भी ये कहां अच्छा लगता होगा कि यहां उनके नाम पर पानी बहाया तो जा रहा है और वहां कोई और पानी के लिए तरस रहा है। धर्म वो नहीं
जो किसी और की जरूरत को देखकर भी उसकी उपेक्षा करने का कारण बने। धर्म तो वो है जो अपनी जरूरत से भी पहले औरों की जरूरत समझने की और मदद करने की मंशा पैदा करे। सबका मालिक। राम जी भला करें। आइए ना, आप भी चलिए पूजा के लिए। जरूर चलूंगा चंदू, लेकिन ये पूजा कर कौन रहा है? साई, सुना है शिरडी में एक बड़े ही दिलदार व्यक्ति रहने आए, बड़े ही धार्मिक है। आते ही उन्होंने महापूजा रखी है और आज मंदिर में भंडारा भी रखा है। और पता है साई, और उन्होंने मंदिर के लिए चांदी का लामन डीवा दान दिया है। साई, उन्होंने आज सारे शिरडी वासियों के लिए महाप्रसाद भी रखा है। आज किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सब मारुति जी का प्रसाद ही खाएंगे। इनका नाम क्या है? मधुसूदन। मधुसूदन नाम तो उस लीला करने वाले का है। लगता है ये भी कुछ करतब दिखाकर ही मानेंगे। साहिब, मुझे लगता है आपको एक बार उनसे जरूर मिलना चाहिए। वो सिर्फ धन से नहीं बल्कि मन से भी बड़े इंसान है। आइए ना साहिब, आइए। बोलो बजरंग बली की जय। अब पूजा संपन्न हुई, आप सब महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। आ,
भगवान आपको सदा सुखी रखे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। साई, आप आए नहीं, अभी भी यही खड़े। साई देखिए ना, वो गरीबों में महाप्रसाद के साथ साथ कंबल और कपड़े भी बांट रहे। उनके आने से गांव के गरीब इतने खुश हो रहे जैसे कि उनका तारणहार आया हो। इस गोविंदा के चक्कर में देर हो गई। मधुसूदन दादा कब के मारुति मंदिर पहुंच गए होंगे? एक बात कहूं, तुम्हें गोविंदा को साथ ले आना चाहिए था। तुमने जितना मुझे बताया उससे तो मधुसूदन जी बहुत सफल और सुलझे हुए लगते हैं। ऐसे लोगों से मुलाकात करके युवाओं को प्रेरणा भी मिलती है और उनकी समझदारी भी बढ़ती है। आजकल वो कोई भी बात सुनता कहाँ है। क्यों? चलिए, देर हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल जी, गांव वालों की सेवा करके आनंद हुआ। मैं तो आपको अपने परिवार से मिलवाना भूल ही गया। ये मेरी आई है भगवती। नमस्ते। ये मेरी धर्मपत्नी पद्मिनी और ये है मेरा बेटा गौतम। माफ कीजिएगा, ये देख नहीं सकता। आओ, आप यहाँ का काम खत्म कीजिए, मैं तब तक गौतम और आई को घर छोड़कर आती हूँ। नहीं, मैं बाबा के साथ रहूंगा। ठीक है आई, चलिए। मुझसे एक पल भी दूर नहीं रहते हैं। वैसे आप तो बहुत ही व्यस्त रहते होंगे, लेकिन फिर भी आपके बेटे का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं आप। इसमें तो मेरे प्राण बसते हैं, बस हर पल इसी की चिंता लगी रहती है। मैं समझ सकता हूं। साई, साई आ गए।